बांदा में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा, कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराई। हादसे में 6 लोगों की मौत, 2 लोगों की हालत गंभीर। तिलौसा गांव के रहने वाले थे सभी। सीएम योगी आज आएंगे प्रयागराज। लूकरगंज में अति के कब्जाई जमीन पर बने फ्लैट्स गरीबों को करेंगे आवंटित। 76 फ्लैट के लिए 6000 से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया। मॉनसून की पहली बारिश ने बढ़ाई जालौन के लोगों की मुश्किलें। मूसलाधार बारिश से शहर में जलभराव, सड़कों पर पानी भरने से जनजीवन हुआ प्रभावित। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करके साधा सरकार पर निशाना। उन्होंने ट्वीट में लिखा, काशी को क्योटो बनाने चले थे लेकिन वेनिस बना दिया। बारिश ने दिखाया भाजपा विकास का सच। केदारनाथ यात्रा पर खराब मौसम की पड़ रही मार, धाम में रुक रुक कर हो रही बारिश ने यात्रियों की बढ़ाई परेशानी। प्रशासन ने भी यात्रियों से मौसम विभाग की चेतावनी को ध्यान में रखकर यात्रा करने की अपील की। बद्रीनाथ धाम में खराब मौसम के बावजूद यात्रियों में भारी उत्साह। मंदिर के बाहर लगे श्रद्धालुओं की लंबी कतार। यात्रा शुरू होने के बाद से अब तक 10 लाख यात्रियों ने किए दर्शन। यमुनोत्री धाम के यात्रियों को 68 दिन हो चुके हैं। अब तक 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु यमुनोत्री धाम पहुंचकर मां यमुना के कर चुके हैं दर्शन। गंगोत्री धाम में 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु ने किए दर्शन। सोनभद्र में कंटेनर से 1550 पेटी अवैध शराब बरामद। 2 अंतरप्रांतीय शराब तस्कर भी गिरफ्तार। जब्त शराब की कीमत 75 लाख रुपए आंकी। ओबरा थाना क्षेत्र के रेलवे क्रॉसिंग के पास का मामला। महराजगंज में एसएसबी और नौतनवा पुलिस ने 90 ग्राम हेरोइन के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार। जब्त हेरोइन की अंतर्राष्ट्रीय कीमत 80 लाख रुपए आंकी गई। नेपाली नोटों के साथ बाइक भी बरामद। चित्रकूट में पुलिस की 5 टीमों ने अवैध गुटखा फैक्ट्री के ठिकानों पर मारा छापा। 3 अवैध रूप से संचालित फैक्ट्रियों में से अवैध गुटखा सामग्री बरामद की गई। गुटखा फैक्ट्री के मालिक और उसके मैनेजर को किया गया गिरफ्तार। सांसद मेनका संजय गांधी सुल्तानपुर दौरे पर रही। प्रबुद्ध जनों से संवाद करके केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियों की जानकारी दी। मेनका गांधी ने जनता दर्शन कार्यक्रम में लोगों की समस्याओं को भी सुना। सहारनपुर के अस्पताल से चंद्रशेखर आजाद को मिली छुट्टी। पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों से बातचीत के बाद चंद्रशेखर के समर्थक मान गए। चंद्रशेखर पर हुए हमले को लेकर उनके समर्थकों में गुस्सा है। देवबंद में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण के हमले को लेकर बड़ी खबर। अमेठी में हमले से जुड़ा फेसबुक का पेज आया सामने। क्षत्रिय ऑफ अमेठी फेसबुक पेज से चंद्रशेखर रावण को दी गई थी धमकी। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। अयोध्या में प्रवेश के लिए 6 भव्य द्वार बनाने की तैयारी। इस प्रोजेक्ट पर 15 करोड़ से अधिक की धनराशि खर्च होने का अनुमान। अमेठी के एक मसाला व्यवसायी ने 2.5 करोड़ की मदद दी। कई और व्यवसायियों ने भी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए। ललितपुर में 4 बाइक सवार लुटेरों ने सराफा व्यापारी को बनाया निशाना। सराफा व्यापारी से तमंचे के बल पर लाखों की लूट। खीतमास चौकी अंतर्गत टेनगा गांव का मामला। कन्नौज में पूर्व प्रधान हत्याकांड में फरार चल रहे आरोपियों से हुई पुलिस की मुठभेड़। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान दोनों के पैर में लगी गोली। सदर कोतवाली क्षेत्र के कटरी इलाके के कीरतपुर में हुई मुठभेड़। रायबरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में लगी गोली। खीरो थाना इलाके के सेमरी में हुई मुठभेड़। लखीमपुर खीरी में सारस की बड़ी संख्या। 92 सारस से बढ़कर हुई 231। जिले के 3 वन विभागों में एक साथ 4 पालियों में की गई थी गणना। नोएडा में गर्मी के बीच मौसम में हुआ बदलाव। तेज बारिश से मौसम में आई गिरावट। बारिश के बाद जिले के कई इलाकों में हुआ जलभराव। आने वाले कुछ दिनों तक मौसम के ऐसे ही रहने का अनुमान। बांदा में शहर के कई मोहल्लों में जलभराव से लोग परेशान। नालियों की सफाई ना होने से हुआ जलभराव। ग्रेटर नोएडा में बारिश से सड़कों पर लगा जाम। नोएडा कुलेसरा मार्ग में कई किलोमीटर लगा लंबा जाम। हमीरपुर में डूबने से बाइक सवार 2 लोगों की मौत। नाले पर बने रपटे से फिसलकर डूबने से हुई मौत। कानपुर में खाना बनाते समय सिलेंडर में लगी आग। मोहल्ले में मचा हड़कंप। रावतपुर थाना क्षेत्र का मामला। आगरा में बारिश होने से मौसम हुआ सुहावना। लोगों को गर्मी से मिली राहत। बच्चों ने बरसात का जमकर उठाया मजा। फिरोजाबाद में मुस्लिम समाज ने बकरीद पर कुर्बानी ना देकर गाय की सेवा करने का संकल्प लिया। इस पहल से सभी मुस्लिम समाज खुश है। मुंबई में भारी बारिश की वजह से कई जगह गिरे पेड़। गोरेगांव इलाके में घर पे पेड़ गिरने से एक युवक की हुई मौत। बुधवार को मलाड में पेड़ गिरने से एक शख्स की हुई थी मौत। महाराष्ट्र में बारिश ने बढ़ाई टेंशन। मौसम विभाग ने मुंबई और आसपास के इलाकों के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। सतारा और पुणे में भारी बारिश का अलर्ट।
बारिश के साथ ही मुंबई का समंदर उगल रहा है भारी मात्रा में कचरा। जुहू चौपाटी पर लगा कचरे का अंबार, दूर दूर तक पर्यटकों के फेंके हुए प्लास्टिक के कचरे की भरमार। महाराष्ट्र में बारिश के बाद ठाणे पुलिस स्टेशन का दफ्तर तालाब में तब्दील, पंप के जरिए की जा रही है पानी की निकासी। बारिश और तेज हवा ने महाराष्ट्र के ठाणे शहर की रफ्तार पर लगाया ब्रेक, बारिश और हवा के कारण उखड़े कई पेड़, आसपास लगी गाड़ियों को हुआ नुकसान। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, दिल्ली और नोएडा के कई इलाकों में झमाझम बारिश, तापमान में गिरावट से लोगों को गर्मी से मिली राहत। उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, कई इलाकों में लैंडस्लाइड का भी खतरा। उत्तराखंड के पौड़ी टिहरी देहरादून में भारी बारिश का अनुमान, ज्यादातर इलाकों में लैंडस्लाइड के खतरे को देखते हुए सावधानी बरतने की अपील। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में भारी बारिश के कारण उफान पर नदी नाले, खरमेर नदी में बाढ़ के कारण सैकड़ों गांव का संपर्क मुख्य सड़क से टूटा, पुल से 2 फीट ऊपर बह रहा नदी का पानी। एमपी के डिंडौरी में सैलाब के बीच लापरवाही की तस्वीरें सामने आई, उफनाए पुल को पार करता दिखा बाइक सवार। बिहार के राघोपुर में बना पीपा पुल गंगा नदी के तेज बहाव में टूटकर बहा, बाल बाल बची लोगों की जान, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का विधानसभा क्षेत्र है राघोपुर। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में पहली बारिश ने ही खोली व्यवस्था की पोल, 17 करोड़ की लागत से बन रहा पुल हुआ धराशायी, दुर्ग में पिछले 4 दिनों से जारी है बारिश का कहर। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में शिवनाथ नदी का जलस्तर बढ़ा, महमरा एनिकेट पर 7 फीट से ऊपर बह रहा है पानी, कई गांव का संपर्क मुख्य सड़क से टूटा। मध्य प्रदेश के शहडोल में आफत की बारिश, स्टेट बैंक के ब्रांच में भरा पानी, डस्टबिन में पानी भरकर जल निकासी करते दिखे कर्मी। मध्य प्रदेश के देवास में अचानक धसा पहाड़, मंदिर का पिलर टूटा, सांसद महेंद्र सोलंकी और प्रशासन ने लिया हालात का जायजा, किसी प्रकार के हताहत की खबर नहीं। मध्य प्रदेश के मंडला में लगातार बारिश से जनजीवन हुआ प्रभावित, मंडला के 3 जिलों का संपर्क टूटा, थावर नदी के ऊपर बना पुल भी पानी में डूबा। असम में जारी है बाढ़ का कहर, 88,000 लोग अभी भी बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित, लोग राहत शिविर और सड़कों पर ले रहे शरण, बारपेटा के 113 गांव पानी में डूबे। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में बड़ा बेतवा नदी का जलस्तर, घूमने आए 6 पर्यटकों के पानी के बीच फंसने की खबर, सभी को सुरक्षित बचा लिया गया। मध्य प्रदेश के सागर में रेलवे ट्रैक पर भरा पानी, ट्रेनों की रफ्तार हुई धीमी, प्लेटफॉर्म पर बारिश का पानी टपकने से यात्री परेशान, शुरुआती बारिश में ही रेलवे स्टेशन का बुरा हाल। गुजरात के पोरबंदर में समुद्र तट से करीब 82 किलोमीटर दूर एक रोमानिया के नागरिक को बचाया गया, समुद्र के बीच जहाज में उस शख्स को दिल का दौरा पड़ा था। गुजरात के सरदार सरोवर नर्मदा बांध का जलस्तर बढ़ा, भारी बारिश की वजह से नर्मदा डैम का पानी 119 मीटर से ऊपर उठा। लोकसभा चुनाव और आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए माइक्रो मैनेजमेंट के लिए बीजेपी का मेगा प्लान, पार्टी के कामकाज को आसान बनाने के लिए देशभर को 3 सेक्टर्स यानी कि नॉर्थ, साउथ और ईस्ट रीजन में बांटा। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां की तेज, देश के अलग अलग हिस्सों में 6, 7 और 8 जुलाई को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे रीजन के नेताओं के साथ मंथन। राजस्थान के जोधपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सामने पूर्व विधायक का छीना गया माइक, सभा में मचा हंगामा, माइक पर अनाउंस करने को लेकर भिड़े बीजेपी के नेता। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लॉ कमीशन को जल्द सौंपेगा दस्तावेज, मसौदे को अंतिम रूप देने की कवायद तेज, बोर्ड ने कहा 14 जुलाई से पहले दाखिल होगी आपत्ति।
यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बोले समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क, यूसीसी से देश के हालात बिगड़ेंगे, सरकार कुछ भी बदले मुसलमान अपने मजहब पर ही रहेंगे। लुटियंस दिल्ली में औरंगजेब लेन का नाम अब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लेन किया गया, एनडीएमसी की बैठक की गई घोषणा, बैठक में नाम बदलने को दी गई मंजूरी। तेरह जुलाई को दोपहर 2:30 बजे होगी चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग, सुरक्षित लैंडिंग पर चंद्रयान 3 का फोकस, इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ बोले अंतरिक्ष के क्षेत्र में होगी बड़ी कामयाबी। श्रीनगर में अमरनाथ यात्रा में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था, नेशनल हाईवे पर ड्रोन से की जा रही है निगरानी। प्रयागराज में वीडियो की परीक्षा देते हुए सॉल्वर गिरफ्तार, दूसरे छात्र के स्थान पर परीक्षा दे रहा था सॉल्वर। अमरोहा में पुलिस ने गैंगस्टर को किया गिरफ्तार, पुलिस ने अवैध तमंचा किया बरामद, थाना डिरौली क्षेत्र के सिहोरा नीली खेड़ी रोड का मामला। कानपुर में दबंगों ने युवती को दी धमकी, पुलिस ने मामला किया दर्ज, किदवई नगर थाना क्षेत्र का मामला। फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों में हुई मुठभेड़, दोनों बदमाशों के पैर में लगी गोली, पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। अंबेडकर नगर में 25,000 का इनामी बदमाश, पुलिस मुठभेड़ में घायल, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, आरोपी से तमंचा कारतूस मोटरसाइकिल बरामद। बदायूं में दुकान में हुई चोरी, चोरों ने लाखों का सामान किया चोरी, पुलिस मामले की जांच में जुटी। चित्रकूट में सफारी पार्क से तेंदुए को किया गया रेस्क्यू, रानीपुर टाइगर रिजर्व के चौरी जंगल में छोड़ा गया। रायबरेली में बुजुर्ग को बंधक बनाकर भतीजों के बेटों ने लिखवाई जमीन, पीड़ितों ने डीएम से लगाई न्याय की गुहार। झांसी में न्यायालय के आदेश के बाद थाने में रखी 3500 लीटर शराब को जेसीबी से किया नष्ट, थाना प्रेमनगर का मामला। अंबेडकर नगर में करंट की चपेट में आने से दो की मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जहांगीरगंज थाना क्षेत्र के हरिहरपुर गांव का मामला। मुरादाबाद में भैंस ने लोगों को रौंदा, वीडियो वायरल, मुरादनगर के गल शहीद थाना इलाके के असालतपुर मोहल्ले का मामला। गांव में ओवरटेक करने के दौरान बेकाबू ट्रक पुल से नीचे गिरा, बांगरमो कोतवाली के भिखारीपुर रूल गांव का मामला। बिजनौर में बारिश से गंगा का जलस्तर बढ़ने से ग्रामीणों में चिंता, प्रशासन ने गंगा किनारे लेखपाल की लगाई ड्यूटी, थाना मंडावर के गंगा खादर इलाके का मामला। झांसी में बना हुआ पुल बारिश में बहा, पुल बहने से लोगों का आवागमन रुका। फतेहपुर में हिंदू संगठनों ने लव जिहाद के आरोपी को फांसी देने की मांग की, सड़कों पर बजरंग दल सहित महिला संगठन उतरे। जोशीमठ में बद्रीनाथ धाम में ईद उल जुहा त्यौहार न मनाने को लेकर हिंदू संगठनों ने की बैठक, प्रशासन ने धाम में नमाज अदा न करने का अनुरोध किया। पिथौरागढ़ में मुनस्यारी तहसील भूकंप की दृष्टि से जोन 5 में शामिल, मॉनसून में आपदा का खतरा बढ़ा। बिहार के पूर्णिया में खेत में काम करने के दौरान करंट लगने से जान गंवाने वाली चार महिलाओं को लेकर मुआवजे का ऐलान, परिजनों को दिए जाएंगे 4-4 लाख रुपए, घायलों का मुफ्त इलाज जारी। दिल्ली के तैमूर नगर में बारिश के जमा पानी में करंट फैलने से 17 साल के लड़के की मौत, बेंगलुरु से अपने मामा के यहां आया था लड़का, मामले की जांच में जुटी। बिहार के हाजीपुर में नौकरी के नाम पर छात्रों से करोड़ों की ठगी, कमरे में बंद करके युवकों की पिटाई और छात्राओं के अश्लील वीडियो वायरल होने की धमकी देते फर्जी कंपनी चलाने वाले। मुंबई में एनसीबी ने किया इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट का पर्दाफाश, क्रिप्टो करेंसी के जरिए होता था पैसों का लेनदेन, 1 करोड़ की ड्रग्स जब्त की गई। मध्य प्रदेश के गुना में 5 करोड़ की ठगी करने वाला यूट्यूबर तांत्रिक बाबा गिरफ्तार, सोशल मीडिया के जरिए लोगों की समस्याओं का समाधान बताता था।
राजस्थान के नागौर में दरगाह के सदर के घर पर ईडी की रेड, करोड़ों के लेन देन से जुड़े मामले पर छापा। फर्जी कॉल सेंटर के जरिए 80 करोड़ की ठगी का आरोप। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।